अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी विधानसभा में घुस करके नीतीश कुमार जी आपको कह देते हैं कि आपसे पूछेंगे सवाल कि हमारे लोगों के अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारी बहनों का क्यों हो रहा है, हमारे समाज के युवक के मुंह पे पेशाब क्यों किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को क्यों किया जा रहा है, हमारे भाइयों को मार करके पेड़ से क्यों लटकाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना होगा, अन्यथा बिहार की कुर्सी से उखाड़ करके आपको सीधे गंगा नदी में पलटने का काम करेंगे। 30 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें इससे बड़ा और जोरदार हंगामा होगा। पासवान समाज के चौकीदारी के मसले और तमाम तरह के मसलों को लेकर आज भीम आर्मी सड़कों पे है, राजभवन मार्च की तैयारी है। भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अमर ज्योति, वो हमारे साथ में होंगे। क्या तैयारी है सर, क्या डिमांड है? हम लोग का जो डिमांड है कि चौकीदार दफदार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो जो नए तरीके से बदला गया है, जिसमें सरकार ने बदलाव करके हमारे लोगों को नौकरियों से वंचित करने का काम किया है, उसको पहले की भांति जो बहाली हुआ करती थी उसी तरह कर दिया जाए, ताकि हमारे लोगों का जो नौकरी है वो सुरक्षित रहे, उनके हक अधिकार मान सम्मान सुरक्षित रह सके। और इसके अलावा बिहार में जो दलितों के ऊपर अत्याचार शोषण बढ़ा हुआ है उस पर मांग है कि जो मृतक दलितों के परिवार हैं, नीतीश कुमार जी ने 2020 में घोषणा किया था कि जो मृतक बिहार में दलित समाज के होंगे उनके आश्रित को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, लेकिन 4 साल बीत गए, अगले साल फिर चुनाव आ जाएगा, नीतीश कुमार जी को भूलने की बीमारी है, तो उनको हम लोग याद दिलाने के लिए आज हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनसे मांग करते हैं कि हमारे जो दलित समाज के मृतक परिवार है उनके आश्रित को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपये का सरकारी मुआवजा दिया जाए। इसके साथ बिहार के SC ST कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण जो है आपने रोकने का काम, मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी हमारे कर्मचारियों को अविलंब जितने विभाग हैं सब में प्रमोशन दीजिए। असंवैधानिक तरीके से आपने किया, इस अनुसूचित जातियों में तत्वा जाति को 9 सालों में आपने हजारों का जो मेधावी छात्र थे जो पढ़ते लिखते थे उनका किया है, चाहे वो शिक्षक का या सिपाही का या दरोगा का वैकेंसी हो या DMS DSP का वैकेंसी हो या सरकार की सरकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं में आपने 50% से ज्यादा ताती तत्व जाति चाने का काम किया है, तो उन सारी जातियों को जो लाभ आपने दिया है अविलंब हमारे अनुसूचित जाति के 22 जाति जो लोग हैं दुसाद चमार डोम तमाम जितने लौटाने का अविलंब कार्य करें, हमारे हैं उनको सरकारी करने का काम। गर्दनी बाग सभा तक और अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं स्पीकर साहब को देने का काम करेंगे और अपनी मांगों को हम लोग बोलेंगे कि अब पूरा कीजिए और एक अल्टीमेटम भी देंगे कि 30 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें इससे बड़ा और जोरदार हंगामा होगा। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी अगर हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास बिहार की सरकार के द्वारा किया गया तो हम लोग उनका सत्ता का कुर्सी बैरिकेडिंग है आगे पीछे जहाँ भी बैरिकेडिंग है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसको बंद करने का बिहार की सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन सरकार बैरिकेडिंग रोक करके हमारे हौसलों को तोड़ नहीं कर सकती है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि हमारे हौसलों को तोड़ने के लिए पहले आप सोच लीजिए कि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग जरूरत पड़ी तो इस देश में अपने समाज के हक और हुकूक के लिए लाठी भी खाए हैं, जरूरत पड़ी तो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद गोली भी खाए हैं, और इसी बिहार से हमारे कई साथी जो भीम आर्मी के मजबूत साथी थे, चाहे वो राकेश पासवान जी हो चाहे जॉन पासवान हो, उन्होंने गोली खा करके अपने समाज के लिए शहादत देने का भी काम किया है। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार जी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो उनके लाठी गोली बम बारूद जितना लगाना होगा लगा लीजिएगा, अगली बार मजबूत तैयारी से आएंगे और विधानसभा में घुस करके नीतीश कुमार जी आपको कह देते हैं कि आपसे पूछेंगे सवाल कि हमारे लोगों के अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं है, हमारी बहनों का क्यों हो रहा है, हमारे समाज के युवक के मुंह पे पेशाब क्यों किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को क्यों किया जा रहा है, हमारे भाइयों को
मार करके पेड़ से क्यों लटकाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना होगा, अन्यथा बिहार की कुर्सी से उखाड़ करके आपको सीधे गंगा नदी में पलटने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो आपको मॉरिशस भी भेजने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से देखिए, मैं सरकार प्रोटेस्ट इन्होंने कॉल किया है, देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं और सीधा मांग है कि जो चौकीदारी को लेके जो पासवान समाज की मांगे हैं उसको पूरा किया जाए और जो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं दलित समाज के साथ में उन इशुओं का सोल्यूशन किया जाए, इसको लेके लगातार लोग जो है पूरे बिहार के कोने कोने से यहाँ पे आए हुए, आप देख सकते हैं कि तख्ती मेहनत के साथ युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। विधानसभा मार्च की इनकी तैयारी है। आप देखिए, क्या नाम है आपको? कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है? आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष नालंदा से हैं। हम लोग का मांग है कि बिहार सरकार का जो है सुशासन के सरकार में अपराधी जो है बेलगाम हो गए, अपराध पर नियंत्रित नहीं है और रोज प्रतिदिन पूरे बिहार में अपराध हो रहा है। अनुसूचित जाति अति पिछड़ा मोहंडम समाज पर लेकर के नियंत्रित के लेकर पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है क्या? पुलिस व्यवस्था तो बिल्कुल ही नाकाम हो गया है, प्रशासन का कोई ये चीज नहीं रहा, एकदम खुलेआम जो है हत्या हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भीम आर्मी के दीवाने हैं, कार्यकर्ता है, जो सोशल जस्टिस को मानते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में और अपनी मांगों को लेके। वो आज विधानसभा मार्च का उन्होंने आयोजन किया था। पूरी बातचीत पे पत्रकार रवि मेहता, एक्टिविस्ट, पटना।